1951 के बाद से अब तक देश में लोकसभा और विधानसभा के अनेकों चुनाव हो चुके हैं। इन चुनाव में सरकारें बदली भी हैं और पुरानी सरकारों ने वापसी भी की है। कई बार चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत न केवल एक सफल लोकतंत्र है, बल्कि उपनिवेशवाद के जंगल से निकले तीसरी दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक मिसाल भी है जो लोकतंत्र की बहाली के लिए अब तक संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में नियमित रूप से होने वाले चुनावों का बहुत बड़ा हाथ है। आइए देखते हैं कि भारत ने अपना पहला चुनाव कैसे कराया था, जनता ने उस चुनाव को कैसे लिया था, और ये भी देखते हैं कि इस चुनाव का श्रेय जिन व्यक्तियों को या जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उन्हें मिला या नहीं। 1947 का हंगामा बीत चुका था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के दमनकारी शिकंजे से आजाद हुए 3 साल बीत चुके थे। संविधान सभा की जटिल प्रक्रिया के बाद संविधान अपनाया जा चुका था। देश एक लोकतंत्र बन चुका था। विभाजन के नतीजे में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के जख्म अभी हरे थे। बंटवारे की वजह से बेघर हुए लोगों को अभी पूरी तरह से बसाया भी नहीं जा सका था। इस नए लोकतंत्र को मजबूत बुनियाद मुहैया कराने के लिए भारत ने अपना पहला चुनाव कराने के लिए कमर कस लिया। लेकिन वो कहावत है ना कि कहना आसान होता है करना मुश्किल। 36 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए, जिसे 200 साल की उपनिवेशवाद की दमनकारी लूट खसोट ने अभी अभी राहत दी है, ये काम किसी हिमालयी मिशन से कम नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। उसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हो गया। अप्रैल 1950 में लोक प्रतिनिधित्व कानून पारित हो चुका था। इस कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करनी थी और विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय की जानी थी। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी बंगाल की ICS अधिकारी सुकुमार सेन को दी गई। उन्हें 21 मार्च 1950 को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया था। आदर्शवादी जवाहरलाल नेहरू को उनका आदर्श प्रेरित कर रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया से फारिग हो लिया जाए। नेहरू चाहते थे कि 1951 की शुरुआत में ही चुनाव करा ली जाए, लेकिन भारत की सामाजिक एवं भौगोलिक विविधताओं को देखते हुए इतने कम समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करा लेना आसान काम नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने नेहरू की जल्दबाजी को नजरअंदाज करते हुए इस मामले में उनकी एक नहीं सुनी। देश की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधताएं यथार्थवादी सुकुमार सेन के लिए बड़ी चुनौती थी। नेहरू सेन से एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। सुकुमार जानते थे कि इतना बड़ा काम आज तक किसी भारतीय मूल के अधिकारी ने नहीं किया है, लिहाजा आदर्श को यथार्थ के आगे झुकना पड़ा। और ये तय पाया कि चुनाव 4 महीने की अवधि यानी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक और 68 चरणों में कराए जाएंगे। ये फैसला हो चुका था कि देश के हर वयस्क नागरिक को जो 21 साल या उससे अधिक आयु का होगा वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था देश की 36 करोड़ आबादी में से 17 करोड़ बालिग मतदाताओं की सूची तैयार करना। संचार की उन्नत तकनीक की व्यापक उपलब्धता के मद्देनजर आज ये कोई मुश्किल काम नजर नहीं आता, लेकिन 1951 में जब चुनाव आयोग को ये काम सौंपा गया था तो उस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि अब तक इतना बड़ा चुनाव किसी देश ने नहीं कराया था। चुनाव की राह में सबसे बड़ी रुकावट 1951 में देश की साक्षरता थी। केवल 25% पुरुषों और 8% महिलाओं ने अपने आप को साक्षर बताया था। महिलाओं की सामाजिक हैसियत कितनी दयनीय थी इसका अंदाजा भी बहुत जल्द लग गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि जब मतदाता सूची तैयार हो गई और उसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि उस सूची में उत्तर भारत की तकरीबन 28 लाख महिलाओं के नाम की जगह फलाने की पत्नी या फलाने की माँ या फलाने की बहू दर्ज था। चुनाव आयोग ने ऐसे सभी महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए। इसका फायदा ये हुआ कि अगले चुनाव में ऐसी गलती नहीं दोहराई गई। मताधिकार एवं मतदाताओं में साक्षरता के निम्न स्तर के चलते एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब तक दुनिया के दूसरे लोकतंत्र में होने वाले चुनाव के जो नमूने सामने थे उनमें बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज होते थे,
लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। यहाँ 85% मतदाता अपना नाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और भारत को गुप्त मतदान कराना था। इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि हर उम्मीदवार को एक चुनाव चिन्ह दिया जाए। ये चुनाव चिन्ह प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली वस्तु या जानवर के रूप में दिए गए। पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे अशिक्षित मतदाताओं को उलझन से बचाने के लिए हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी बनाई गई, जिन पर उनके चुनाव निशान चिपकाए गए। बाद में एक ही बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव निशान दिए जाने लगे। ये सिलसिला ईवीएम के दौर में भी जारी है। बहरहाल हर पार्टी और हर उम्मीदवार को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। कोई दो बैलों की जोड़ी हांक रहा था तो कोई उगते सूरज को अपने हथेली पर लिए घूम रहा था, कोई शेर का शिकार कर रहा था तो किसी को झोपड़ी रास आ रही थी, कोई हाथी की सवारी कर रहा था तो कोई ऊंट की। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए देश भर में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए, 25,00,000 मतपेटियों की व्यवस्था की गई और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। धांधली रहित एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तकरीबन 10,00,000 कर्मचारी तैनात किए गए, जिनमें से 56,000 पीठासीन अधिकारी, 2,80,000 सहायक और 2,24,000 पुलिस के जवान शामिल थे। मतदाता सूची तैयार करने के लिए 16,500 कर्मचारियों को 6 महीनों के लिए अनुबंधित किया गया था। आज मतदान के दौरान जो स्याही इस्तेमाल की जाती है उसका आविष्कार भी उसी जमाने में हो चुका था। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसी स्याही की लगभग 4,00,000 शीशियां तैयार की गई थी। आज चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यमों का सहारा लेता है। उस जमाने में ये काम रेडियो, सिनेमा और अखबारों से लिया गया। मतदान कर्मियों, मतपेटियों, मतपत्रों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल किया गया। सुदूर ग्रामीण इलाकों में पहुंचने के लिए नदियों पर पुल बनाए गए, छोटे छोटे द्वीपों तक पहुंचने के लिए नौसेना के जलयान भी इस्तेमाल में लाए गए। उस चुनाव में देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी। जब चुनाव हुए तो नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि नेहरू और कांग्रेस के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। 479 लोकसभा और 3,283 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 14 राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय दलों के साथ साथ निर्दलियों समेत तकरीबन 17,500 उम्मीदवार मैदान में थे। नेहरू को चुनौती देने के लिए जहां स्वतंत्र पार्टी के सी राजागोपालचारी मौजूद थे, वहीं समाजवादी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव भी ताल ठोक चुके थे। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए नेहरू के कैबिनेट से 2 मंत्रियों दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने त्याग पत्र दे दिया था। चुनाव से ठीक पहले देश की संवैधानिक व्यवस्था में अविश्वास जताने वाली और सशस्त्र क्रांति का असफल प्रयास कर चुकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी ताल ठोक कर चुनाव मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार थी। कांग्रेस को कोई बड़ी मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि विपक्ष के पास कद्दावर नेता तो थे, लेकिन चुनाव से पहले किसी तरह की विपक्षी एकता की कोई कोशिश नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि आज की तरह विपक्षी दलों ने उस जमाने में भी सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की आशंका जताई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई थी। दुनिया में आम तौर पर 7 अजूबों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन जिन परिस्थितियों में और जितनी शीघ्रता के साथ देश में पहला चुनाव करवाया गया था वो निश्चित रूप से दुनिया के अजूबों में शामिल करने योग्य है। इस काम को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए यदि किसी एक शख्स को श्रेय दिया जाए तो वो निश्चित रूप से सुकुमार सिंह होंगे। दुर्भाग्यवश आज उनके बारे में बहुत कम बात होती है। जब चुनाव आयुक्तों की चर्चा होती है तो ले देकर टीएन शेषन पर तान टूट जाती है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र आज जिस मजबूती के साथ खड़ा है उसकी बुनियाद 1951-52 में हुए चुनाव में रखी गई थी और उसमें सुकुमार सेन का बहुत बड़ा हाथ था। सेन की सेवाओं की अभी स्वीकृति इस बात से भी होती है कि बाद में कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने उन्हें अपने यहाँ होने वाले चुनाव के लिए विशेषज्ञ सलाहकार के तौर पर बुलाया था। नमस्कार।